आज रक्षाबंधन है और इसके लिए मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि जिनका असर अगर आप ना करें तो कोई विशेष प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। एक दिन म्यूजिक नहीं सुनने से, एक दिन टीवी नहीं देखने से, या एक दिन अगर आप अपना व्हाट्सअप नहीं खोलते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक दिन आपकी तैयारी सिमट जाती है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और एक दिन आप तैयारी नहीं करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके आने वाले भविष्य पर पड़ता है। यकीन मानिए कि जो भी प्रतियोगिता आप देने शामिल होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं जब आप आराम करने के बारे में विचार कर रहे हैं तब वो काम कर रहे हैं, और आपकी प्रतियोगिता ऐसे ही लोगों से है। तो फिलहाल आराम करने का जो मन है उसको आप त्याग दें और तैयारी आप रोज करते रहें, और जितना अधिक समय आप अपनी तैयारी में लगाएंगे आपका भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा। मतलब कि जितना आप देंगे उतना ही आपको प्राप्त होना है, यह एक शाश्वत सत्य है और यह हमेशा शाश्वत सत्य बना रहेगा। फिलहाल आज की तारीख है 26 अगस्त 2018, और मैं रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, और पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश उच्च मुद्रा स्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है, और ये देश है वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला की जो मुद्रा है उसका नाम बोलीवर है, बोलीवर। तो याद रखिएगा एक बात कि इस समय वेनेजुएला में जो मुद्रा स्फीति है, जो महंगाई है, वो कितनी बढ़ चुकी है शायद आपको इसका अंदाजा ना हो। महंगाई लगभग 10 लाख गुना बढ़ चुकी है पिछले 5 वर्षों में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेनेजुएला की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, बोलीवर। क्या नाम है, बोलीवर, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक्सचेंज रेट बता देता हूँ। अगर आप 1 US डॉलर लेकर जाते हैं तो आपको 35 लाख बोलीवर प्प्राप्त होता है, यानी कि 1 डॉलर की कीमत है 35 लाख बोलीवर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोलीवर में महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। वहाँ पर जो नाई हैं सैलून में बाल काटने के बदले पैसे नहीं मांगते, वो अंडे मांगते हैं, खाने की चीज़ें मांगते हैं, और वहाँ पर परचेज करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। 1 किलो सेब की कीमत भी वहाँ पर कई लाख रुपये हैं। तो बहुत ही मुश्किल दशा से गुजर रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो राजधानी है उसका नाम है काराकास। क्या नाम है, काराकास। और अगर आप मिस यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे अधिक मिस यूनिवर्स जो चुनी गई हैं वो इसी देश से चुनी गई हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि यह देश इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में गुजर सकता है। और फिलहाल लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, और यहाँ पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका के द्वारा उसके बाद यह देश बिल्कुल अपनी तरीके से चौपट हो चुका है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, निकोलस मदुरो। नाम है उनका निकोलस मदुरो, ठीक है। तो राष्ट्रपति का नाम भी यहाँ पे जरूरी होता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नोट है वो 1 लाख बोलीवर का है, यानी कि जो सबसे बड़ा नोट हमारे भारत में छपता है वो कितने का छपता है, फिलहाल 2000 रुपये का है। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा नोट छपता है वो छपता है 1 लाख बोलीवर का। लेकिन 1 लाख बोलीवर लेकर भी अगर आप मार्केट जाएँ तो आपका पेट नहीं भरने वाला है। तो वेनेजुएला इसमें बहुत ही बुरी अवस्था में चल रहा है। फिलहाल सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत को लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल विकसित कर रहा है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। और इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। तो ये जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल विकसित करने जा रहा है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्पीडेक्स एग्रीमेंट। देखिए ये स्पीडेक्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लॉन्च किया है 24 अगस्त को, और ये हुआ है एयर मार्शल RKS सेरा के द्वारा लॉन्च किया गया, RKS सेरा, ठीक है, 24 अगस्त। तो और इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF, विकल्प सी आपका इसका सही जवाब है, भारतीय वायुसेना के द्वारा स्पीडेक्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। 18वें एशियाई खेलों में किस देश की रोइंग टीम, देखिए जो नाव होता है ना
उसको अंग्रेजी में खेना, जो नाव को चलाना चलाया जाता है चप्पू लगा के, उसको बोलते हैं रोइंग। तो यहाँ पे सवाल है कि 18वें एशियन गेम जो कि जकार्ता और प्लेमबैंग इंडोनेशिया में चल रहे हैं, तो वहाँ पर किस देश की रोइंग टीम ने, नाव खेने वाली टीम ने पुरुषों की क्वाड्रल स्कल्स में स्वर्ण जीता है? तो यह अपना प्यारा भारत ही है, ठीक है। और जो चार खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत ही बुरी दशा में रहने के बावजूद स्वर्ण हासिल किया है। यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उसमें, लगभग आधी टीम के सदस्य बीमार थे, उनको तेज बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वर्ण हासिल किया है। यह साबित करता है कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। तो फिलहाल ये जो चारों खिलाड़ी हैं इनके नाम भी आप याद रखिए। पहले खिलाड़ी हैं स्वर्ण सिंह, ठीक है, क्या नाम है, स्वर्ण सिंह। दूसरे खिलाड़ी का नाम क्या है, दत्तू भोकानल, ठीक है, दत्तू भोकानल, ठीक है। और तीसरे खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। और चौथे खिलाड़ी का नाम क्या है, सुखमीत सिंह, सुखमीत सिंह। तो फिलहाल आप सभी को भी बधाई, क्योंकि छठे दिन एक और स्वर्ण भारत की झोली में। और एक बात और भी है कि ये गेम 2 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद मैं आपको पूरा आकलन प्रस्तुत कर दूंगा, और आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें जो भी उस भी क्वेश्चन बनेंगे इस एशियन गेम से, 18वां संस्करण है, तो वो सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, तो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। वो मैं आपको दूंगा 3 सितंबर को। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेता ऐप लॉन्च किया है, और ये जो नेता ऐप है इसके द्वारा आप जिस भी नेता को चाहें, जो आपका क्षेत्रीय सांसद है या फिर कोई भी नेता है, तो उसको आप रेट कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इन्होंने कैसा कार्य किया है। और यहाँ पर देखिए, इसको लॉन्च किया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो फिलहाल हमारा सवाल ये है कि इस ऐप को किसने विकसित किया है? तो विकसित किया है प्रथम मित्तल ने, विकल्प ए आपका सही है, प्रथम मित्तल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हालांकि और वीडियोज में आपने देखा होगा तो वहां पर पूछा जाता है कि नेता ऐप को लॉन्च किसने किया, तो जवाब था प्रणब मुखर्जी। लेकिन यहाँ पे बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ कि विकसित किसने किया, और इसका जवाब प्रथम मित्तल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्याभ्यास SCO शांति मिशन 2018 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे SCO के बारे में। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हिंदी होती है संघाई सहयोग संगठन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? हेडक्वार्टर चाइना में है। चाइना में कहाँ पर है? तो ये बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसमें कुल जो मेंबर हैं, यानी कुल जो सदस्य हैं, उनकी संख्या 8 है। और इसमें मुख्य रूप से चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और पाकिस्तान वगैरह देश हैं, रशिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 कंट्री ऐसी हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में हैं, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में 4 कंट्रीज हैं। और बाकी जो इसमें 6 ऐसे जो हैं कंट्रीज हैं जिन्हें डायलॉग पार्टनर कहा जाता है, 4 हैं गेस्ट अटेंडेंस। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा संगठन है, और इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरी चर्चा करूंगा। ये करंट अफेयर्स का वीडियो है तो इसको बहुत लंबा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें कि 24 अगस्त यानी कि 24/8 से रूस में SCO संयुक्त सैन्याभ्यास शांति मिशन 2018 के नाम से शुरू हुआ है। और इसमें जो है ये चेबलकुल जो एक स्थान है रूस में, वहाँ पर ये जो है शुरू हुआ है, चेबलकुल रूस में। सबसे अधिक संख्या में 1700 सैनिक इसमें हैं रूस के जो हिस्सा ले रहे हैं, 700 सैनिक हैं चाइना के, और 200 सैनिक हैं इंडिया के, जो कि, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो संयुक्त सैन्याभ्यास चल रहा है शांति मिशन 2018 के नाम से रूस में, इसमें जितने 8 मेंबर हैं SCO के, 8 ही मेंबर हैं, और सभी जितने मेंबर हैं वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। और ये रहा इस वीडियो का अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आज रक्षाबंधन है और आप लोग थोड़ा सा बिजी ज़्यादा होंगे, इसलिए वीडियो को मैंने शॉर्ट रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे SOCHM के बारे में कि SOCHM का नया महासचिव यानी कि यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है उदय कुमार वर्मा को, ठीक है, UK वर्मा इस समय बनाए गए हैं SOCHM के सेक्रेटरी जनरल।
तो दो बातें यहाँ पर खड़ी होती हैं। सबसे पहले तो एसोचैम जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आई रिपीट, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। और यूके जो वर्मा है, उदय कुमार वर्मा, अब इसके जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इसके पहले थे डी एस रावत इसके पहले थे, अब उनके स्थान पर आ गए हैं उदय कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, आज रविवार भी है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, तो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपने दोस्तों से भी आप कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप दो लोग मिलकर एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप उस चैनल के बारे में, अपने स्टडी के बारे में साथ साथ डिस्कशन कर सकते हो, और एक प्रतियोगिता का माहौल खड़ा होता है और इससे आपको बहुत ही अधिक फायदा होता है। तो इस वीडियो के ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिखेगा, उसको प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं अन अकेडमी पर भी आ गया हूं, और अन अकेडमी पर मैं UGC नेट 2018 जो कि दिसंबर में होने जा रहा है, तो उसके बारे में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क, A to Z, कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है। और अगर आप UGC नेट के बारे में इसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है, और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मैंने सिर्फ सेकंड चांस में, पहले चांस में तो यार मैंने कभी कोचिंग नहीं की है, मैं पहले बता देता हूँ, कभी कोचिंग नहीं की है। हाँ, ये बात अलग था कि जो इंटरनेट का सहारा मैंने बहुत अधिक लिया है, अपने जीवन में जो भी मुश्किलें मेरी आई हैं मैंने उन्हें नेट के माध्यम से ही सॉल्व किया है। तो फिलहाल सेकंड चांस में मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया था, और अब मैं अपना अनुभव आपको देना चाहता हूँ कि मैंने कैसे मात्र 3 महीने की पढ़ाई में नेट को क्वालिफाई किया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारी स्ट्रेटजी, हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, और आप भी सक्सीड होना चाहते हैं, तो अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं दोहरा देता हूँ, लिंक है anacademy.in/user/gyan007। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे जो है कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, पिन पोस्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। रक्षाबंधन ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।